हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज अपन पढ़ने वाले हैं भाई जीएसटी क्या होता है। आज देखने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, अकाउंटिंग टर्म्स में उसकी क्या महत्वता होती है, अकाउंटिंग टर्म्स में किस तरीके से जीएसटी हमारे काम आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज आपको बतानी है। जीएसटी की मैं दो वीडियो लेके आऊंगा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी जो कि हमारी ये वाली है, उसके बाद एक रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज क्या होता है, साथ साथ इनपुट एंड आउटपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, ये सारी चीजें, और एसजीएसटी, ये सारी चीजें मैं लेके आऊंगा सेकेंड वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, साथ साथ देखने वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव की जीएसटी को लाना क्यों जरूरी था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी कैसा है जीएसटी, साथ साथ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी की, जीएसटी में कितने तरीके की चीजें होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते, डायरेक्टली हम शुरू करते हैं। अगर जीएसटी से रिलेटेड, रिवर्स चार्ज से रिलेटेड और हमारे कैस्केडिंग इफेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें आपको समझनी हो, तो एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है रिलेटेड टू जीएसटी, काफी समय पहले बनाई थी जब जीएसटी आया ही था, कहां पे इकोनॉमिक्स वाले टिप्स में हमने बनाई थी वो वीडियो, तो उसको एक बार जाके गो थ्रू करें। इस बार जो हम जीएसटी पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से पढ़ेंगे कि अकाउंट में जीएसटी का क्या इंपॉर्टेंस है, जनरल एंट्री और बाकी सारी चीजें जब आप करते हैं तो जीएसटी का उसमें क्या उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लीव्ड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, एक्सटेंड ऑन पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हमेशा लगता है कहां, ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पे ये लगता है, ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारा जीएसटी लगता है। ध्यान रखना इसमें कुछ चीजें आपको, देखो ध्यान से समझना, जीएसटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी सारी चीजें हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, प्रिस्क्राइब रेट, पहले से एक रेट फिक्स होती है जिसपे आपका जीएसटी लगता है। ऑन एवरी सप्लाई, जब भी आप सप्लाई करेंगे, किस सप्लाई का मतलब सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज की सेल करेंगे या परचेस करेंगे तो जीएसटी लगता है। एक्सटेंट ऑफ, कहां कहां नहीं लगता, पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ना तो पेट्रोलियम पे लगता है ना अल्कोहल पे लगता है, बात चल रही है भैया पेट्रोलियम को लार लेके आने की जीएसटी के अंदर, तो भाई पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़ के आपका जीएसटी हर जगह लगता है। ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो पेट्रोल आप यूज करते हैं, अल्कोहल जो हम कंज्यूम करते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता, बाकी हर जगह आपका जीएसटी लगता है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सीधा है, गंदा है, कैसा है। तो जीएसटी का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, बड़ा आसान सा टॉपिक है, जीएसटी जो है आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करता है। जीएसटी इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, जीएसटी इज सिंप्लीफाइड टॉपिक, कैसे, चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने आपके सारे इनडायरेक्ट टैक्स को, कस्टम ड्यूटी और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, इनको छोड़ के करीब करीब सारे इनडायरेक्ट टैक्स को इसने खत्म कर दिया, जो हमें पहले सर्विस टैक्स और वैट और ये और वो एंटरटेनमेंट टैक्स, इतने सारे टैक्स भरने पड़ते थे। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको सबका लाइसेंस लेना पड़ता था, अब बड़ा आसान काम कर दिया, बोला कि सिर्फ जीएसटी ले लो, काम खत्म हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपका जीएसटी जो है कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स जो पहले थे वो अभी भी है, डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं आया, चेंज जो आया है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आया है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिनका बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है परचेजर के ऊपर या सेलर के ऊपर, यू कैन शिफ्ट द बर्डन, ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पर भी एक वीडियो बनी है, उसको चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट, इट इज अ वैल्यू एडिड टैक्स, ध्यान से समझना, वैल्यू एडिड टैक्स, और वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या है, वैल्यू जो कीमत जोड़ी है उसके ऊपर टैक्स, ध्यान से समझना इस चीज को। जीएसटी कॉस्ट पे कभी नहीं लगता, जीएसटी लगता है आपने जो कीमत जोड़ी है उसमें, किस तरीके से समझना, इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल समझता हूं। सौ रुपए का सामान मैंने जो खरीदा है, ठीक है, उसमें मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा जोड़े और 120 में वो बेचा, तो मुझे जो जीएसटी देना पड़ेगा ना, फाइनल अमाउंट वो 20 रुपए का देना पड़ेगा। किस तरीके से होता है, इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, क्या बोलते हैं, नो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है जीएसटी में। नो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब समझो, 100 रुपए में जब मैंने सामान खरीदा
तो मैंने उस 100 रुपए का मान लो 10% अपन मान, 10% है नहीं, 10% अपन ने टैक्स दिया, यानी कि 10 रुपए टैक्स दे दिया, यानी कि 100 रुपए का सामान था, 10% टैक्स, यानी 110 का मुझे वो पड़ा। अब समझना, उसपे मैंने 20 रुपए का काम किया और 120 में आगे बेच दिया, उसपे मैंने 20 रुपए का काम किया और 120 में आगे बेच दिया, कीमत 100 रुपए है, 110 नहीं मानी जाएगी, 100 रुपए मानी जाएगी, क्योंकि 10 का अलग से टैक्स है, वो अलग है, ठीक है। 10 रुपए के टैक्स में पहले चुका चुका हूं, अब मैंने उसपे 20 रुपए का काम किया, अब मैं वापस 100, अब सामने वाले बंदे से मैंने 120 रुपए, 10% यानी 12 रुपए का टैक्स दिया, कितने का 12 रुपए का टैक्स दिया। अब समझो इस चीज को, 10 रुपए पहले चुका चुका हूं, 12 रुपए मेरे पास आ गए, मैं वापस से 12 रुपए का टैक्स नहीं भरूंगा, मैं सिर्फ 2 रुपए का टैक्स भरूंगा, एक्स्ट्रा जो मैंने वैल्यू एड की है सिर्फ उस वैल्यू एडेड पे मैं टैक्स भरूंगा। तो जीएसटी क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू जो आपने भराई है उसके ऊपर टैक्स लगता है, कॉस्ट पर टैक्स नहीं लगता। इसका तीसरा फीचर वही है, जीएसटी पेड इज नॉट कॉस्ट, आपने जो जीएसटी भरा है वो कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट में काउंट नहीं होगा, वो अलग से काउंट होगा एट द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, किसके फॉर्म में, जीएसटी के नाम से बिल्कुल अलग काउंट किया जाएगा। और इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, वो बहुत अच्छी तरीके से हमें मिलता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक ऊपर डाल दूंगा, ध्यान रखें वो वीडियो 110% पहले देख लें, ठीक है, उसके शुरू के 4-5 मिनट से उसको हटा के फिर आप पूरी वीडियो चेकआउट करें, क्योंकि उसमें मैंने आईटीसी क्या होता है और किस तरीके से जीएसटी वैल्यू एड पर टैक्स लगता है वो सारी चीजें मैंने वहां पे समझा रखी। नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ फीचर, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस ऑल स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी इज दैट कि हर स्टेट में सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है। सेम अमाउंट का मतलब क्या है, अगर 18% यहां है तो 18% भारत देश की बात करते हैं, 18% अगर राजस्थान में है तो 18% एमपी में है, 18% यूपी में, 18% महाराष्ट्र में, सब जगह क्या है रेट ऑफ जीएसटी सेम है ऑन द गुड्स। जिस गुड पे यहां 10% लगता है वो पूरे इंडिया में 10% लगता है, जिस गुड्स पे यहां 18% लगता है उस पूरे इंडिया में उस गुड पे सिर्फ 18% जीएसटी लगता है। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो वैल्यू एड पे लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स पे है, ठीक है, जो कि आपके कॉस्ट में नहीं अलग से काउंट किया जाता है, साथ साथ ये पूरे देश में सारे स्टेट्स के अंदर सेम रेट पे चार्ज किया जाता है, रेट्स अलग अलग नहीं होते। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, अब बात कुछ इस तरीके से हुई थी, जब भी जीएसटी आया था तो लोगों ने पूछा था जीएसटी लाने की आवश्यकता क्या है, जो चल रहा है उसको चलने दो, चल रहा है उसको चलने दो। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी की, जीएसटी को लाया क्यों गया या जीएसटी को लाने का मेन मोटिव क्या था, चलिए देखते हैं। पहला, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, सबसे पहला क्या था, एक कॉमन नेशनल मार्केट अपन बना दे जहां सारे पूरे भारत देश में सब गुड्स के ऊपर सिमिलर टैक्स हो, सब गुड्स के ऊपर एक सिंप्लीफाइड टैक्स हो, एक ही तरीके का टैक्स लगे। तो एक नेशनल मार्केट क्रिएट करना था जहां पे सिंप्लीफाइड वर्जन में आपका काम चले, एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स आपको भरनी पड़े, जिससे क्या होगा बहुत इजीली काम होगा, आपको भी पता होगा आपने कितना टैक्स भरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हमारे जो व्यापारी लोग थे उन्होंने इसका विद्रोह किया था, बट उनको धीरे धीरे समझ में आया जीएसटी अच्छी चीज भी है और जो लोग गलत तरीके से काम करते हैं उनके लिए बुरी चीज भी है। कैसे, बिजनेस अगर आप खोलते हैं, नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, कोई गुड्स बेचते हैं, कुछ सर्विस देते हैं, तो आपको बहुत सारे तरीके के लाइसेंसेस पहले लेने पड़ते थे, वैल्यू एडेड शॉप एक्ट और आपका सर्विस टैक्स, अगर एंटरटेनमेंट ले रहे हो तो उसका लाइसेंस अलग है, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, 6, 7, 8, 10 लाइसेंस आपको लेने पड़ते थे। अब जो हमारा बिजनेसमैन था ना, वो बिजनेस कर रहा है, इसलिए अगर लाइसेंस लेने में कंफ्यूज था, फिर उसको एक अलग से 2-4 बंदे रखने पड़ते थे जो सारे लाइसेंस देखें, और फिर कुछ भी होता था तो वो सारे लाइसेंसेज आगे प्रोसीड किए जाते थे। अब इतनी माथा पच्ची के चक्कर में हमारा जो बिजनेस वाला और वो था ना, हमारा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, पूरा सेक्टर जो था वो पूरा दबा हुआ था, तो उसको उठाने के लिए सरकार ने क्या बोला, अब आपको सिर्फ एक तरीके का लाइसेंस लेना है, कौन सा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सारे टैक्स के लाइसेंस आपके इसमें हो गए, इसके अलावा आपको कोई नहीं लेना। तो बिजनेसमैन के लिए ये बहुत अच्छी, बहुत सिंप्लीफाइड तरीका हो गया। आप अगर अब करंट अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो आपको अगर करंट अकाउंट, बिजनेसमैन हो अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या चाहिए, जहां रह रहे हो वहां का एक रसीद या वहां का कोई है, ठीक है, एक जीएसटी का लाइसेंस, दैट्स इट।
और एक छोटा दो लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। जीएसटी का जीएसटी हो गया, जीएसटी क्या होता है, सबका एक काम जीएसटी हमारा नाम, सबका एक काम जीएसटी हमारा नाम वाला काम चलता है। ठीक है, तो बिजनेसमैन के लिए बड़ा आसान हो गया उस चीज को देना। अब नुकसान कहां होता था, नुकसान वहां होता था जहां बिना बिल के सामान बेचा जाता था, नुकसान वहां होता था जहां अमूमन बिना बताए कुछ भी ले लिया जाता था, बिना बताए कोई भी टैक्स लगा लिया जाता था, उस जगह नुकसान हुआ। बाकी जो सिंप्लीफाइड तरीके से आराम से काम कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। आज के समय में उन सब लोगों ने जीएसटी को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया। नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन जीएसटी गाइस, कैस्केडिंग इफेक्ट इज अ इफेक्ट वेयर टैक्सेस आर अप्लाइड ऑन टैक्सेस। व्हाट इज इट, मतलब देखो कैस्केडिंग इफेक्ट में शॉर्ट में समझा देता हूं, वरना डीप में पढ़ना है तो एज यूजुअल मैंने बताया कैस्केडिंग इफेक्ट के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है मैंने इकोनॉमिक्स और टिप्स का, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना, तो वहां मिल जाएगा, तो उसके ऊपर ध्यान दें, वो पूरी वीडियो देखें, कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में समझ जाएंगे। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपसे तीन साल पहले चार साल पहले मैं बात करता था तो भाई टैक्स आपको क्या बोला, सर 100 रुपए का बिल है 8 रुपए टैक्स लग रहा है, आप बिना बोले 8 रुपए का टैक्स लेते, तो हो सकता है उसकी एक्चुअल कीमत 80 रुपए हो, जो आपको सामान बेच रहा है उसने पहले 20 रुपए का टैक्स भर दिया होगा, ठीक है, अब उसके पास वो सामान उसके हिसाब से 100 रुपए का हो गया, समझो चलो उसको लिखते हैं, हाँ 80 रुपए में आप दुकानदार ने सामान खरीदा होलसेलर से, उसने 20 रुपए का टैक्स भरा, यदि उसको वो सामान पड़ा 100 रुपए का, उसने जब आपको सामान बेचा उसने कहा भाई 100 रुपए का है, या मान लो 100 रुपए का है प्लस, या 120 का है, 20 रुपए उसने खुद के जोड़े प्लस 10% टैक्स है, तो 12 रुपए आपको टैक्स भरना है, और टोटल कितना हो गया 132 रुपए में आपको मिला। अब समझना एक्चुअल कीमत उस चीज की तो 80 रुपए थी, कस्टमर ने या आपको बेचने वाले बंदे ने उसमें 80 रुपए की चीज में 20 रुपए और मिला, यानी कि टोटल वो सामान आपके पास तक 100 रुपए में आना चाहिए था, जिसका 10% टैक्स है, 10 रुपए आपको भरने चाहिए थे, इतने रुपए आपके होते। बट द थिंग इज दैट क्योंकि उसने ये 20 रुपए का जो टैक्स था वो भी कॉस्ट में जोड़ लिया, आपको 10 की जगह 12 रुपए का टैक्स भरना पड़ गया, यानी कि जो एक्स्ट्रा 2 रुपए का आपने टैक्स भरा है ना वो कॉस्ट सामान का नहीं है, वो इस टैक्स के 2 रुपए है, पुराने टाइम में 3-4 साल पहले वैल्यू एडेड टैक्स भी इसी काम के लिए आया था कि इस चीज को एलिमिनेट कर दिया जाए, बट क्योंकि टैक्स के बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी तो वो इस चीज के ऊपर ध्यान भी नहीं देते थे, और उसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट आता था। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहा हूं, ये 2 रुपए सामान के टैक्स नहीं है, ये टैक्स का टैक्स, इसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जीएसटी आने से एक ही टैक्स हो गया, सबको समझ में आ गया, सबको सिंप्लीफाइड तरीके से सब दिखने लग गया, इसीलिए कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो खत्म होता चला गया। वैल्यू एडेड टैक्स या पहले जो टैक्स आए थे हमारे, ये नहीं कह रहा 4 साल पहले सिस्टम बहुत खराब था या कैस्केडिंग इफेक्ट बचपन से चला आ रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए ही आपका वैल्यू एडेड टैक्स आया था और बाकी सारे टैक्सेस थे, बट एज बिकॉज कस्टमर को इतनी नॉलेज नहीं थी इन चीजों के बारे में इसलिए कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हटा बल्कि और बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि इतने सारे टैक्सेस थे किसको क्या पता, किसी को समझ में नहीं आया मैं 2 टैक्स और लगा के आपको दे देता 4 साल पहले, आप सोचते हाँ भाई इसमें लिख रखा है ओवर टैक्स दे दिया, सब ऐसा करते थे क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं थी, 15 टैक्स लगे हुए सारे को समझ में आता, सॉरी लैंग्वेज को थोड़ा सा आज निकल जाता है। आगे बात करते हैं, टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम बाय हैविंग 1 टैक्स एंड फ्यूअर रेट्स ऑफ टैक्स। अगला ऑब्जेक्टिव क्या था जीएसटी को लाने का, कि आप क्या करें इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम बाय हैविंग 1 टैक्स एंड फ्यूअर रेट ऑफ टैक्सेस, एक तरीके का टैक्स हो और रेट भी कम हो। अब बोलोगे सर 18% रेट ही कहां से कम है, तो भाई पहले आप ये दे रहे थे, अब 3-4-5% करके 15 टैक्स आपने दे दिए, 50% टैक्स लग गया, आपको होश ही नहीं, आपको पता भी नहीं चला कि कितना टैक्स लग गया, अब कॉस्ट पर टैक्स लग रहा है, एक ही रेट पर लग रहा है, तो इसलिए सिंप्लीफाइड वे में काम हो गया, गुड्स बिकम चीपर, सामान जो है वो सस्ता होने लग गया। सामान सस्ता किस तरीके से होगा, सामान सस्ता इस तरीके से होगा क्योंकि अब आप इस 100 रुपए पे 10 रुपए का टैक्स देंगे, ना कि 2-12 रुपए का टैक्स देंगे 120 रुपए, ये आपका फायदा 2 रुपए का फायदा हो गया आपको 100 रुपए के सामान में, ये इस तरीके से आपका जो सामान है वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है, अभी नहीं होगा, जो लोग पहले टैक्स नहीं देते थे आप बोलेंगे देखो समझ, आप बोलोगे सर सामान सस्ता नहीं हुआ महंगा हो गया,
महंगा इसलिए हो गया है कुछ लोगों के लिए क्योंकि वो लोग पहले टैक्स नहीं भरते थे। वो लोग जो सामान खरीदते थे वो विदाउट टैक्स खरीदते थे, विदाउट बिल खरीदते थे, तो वो टैक्स दुकानदार ने भी नहीं भरा, कस्टमर ने भी नहीं भरा, वो टैक्स कहीं गया है। अब क्योंकि टैक्स भरना पड़ रहा है इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि भैया सामान महंगा हो गया। जो लोग पहले भी टैक्स भरते थे हर चीज का बिल लेकर प्रॉपरली वैट सर्विस टैक्स और ये सारे टैक्स भरते थे उनसे पूछे सामान सस्ता हो गया है। समझ आया। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी के बारे में। गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। देखिए इस चीज को। हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी जो है वो आपका तीन टुकड़ों में टूटता है। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फिर यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है आपका आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब पहले दोनों को समझना, फिर कंबाइन समझिए, ध्यान से समझना। जीएसटी जो है वो फाइनल जगह जाके टैक्स लगता है, यानी कि जहां पे कंजम्पशन हो रहा है उसके बेसिस पे बताएंगे कि कौन सा टैक्स लगेगा। ध्यान से समझो। पहला आता है सीजीएसटी। सीजीएसटी इज लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अलॉन्ग विद एसजीएसटी। समझो, सीजीएसटी जो है ये कब लगता है? जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं। इंट्रा स्टेट का मतलब स्टेट के अंदर ही, इंटर स्टेट अलग अलग स्टेट में नहीं, इंट्रा, इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट के अंदर अंदर। जैसे मैंने कहीं और के से, मेरे ही एरिया में से या मेरे ही राज्य में से, मेरे ही स्टेट में से कोई सामान खरीद लिया, अब उस पे आपका कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी अलोंग विथ एसजीएसटी, ये दोनों लगेंगे, ये दोनों लगेंगे। कैसे? पहले इसको पढ़ाता हूं फिर समझाता हूं। अगला है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स या यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी अगर स्टेट में है, ठीक है, अगर यूनियन टेरिटरी में है तो यूटीजीएसटी। इज ऑल्सो लिंक्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अलोंग विद सीजीएसटी। ये भी कहां लगता है? जब आप एक ही तरीके, एक ही स्टेट के अंदर बेच रहे हैं। ध्यान से समझ रहे। अब मैंने बोला कि अगर आप एक ही देश का एक ही स्टेट के अंदर अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका ये दोनों टैक्स लगेंगे, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। आप बोलोगे सर दो लग गए, अभी तो आपने एक बोला था, तो समझो यहां नोट लिखा हुआ है, नोट का ही मटेरियल है, नोट देखिए। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, जब एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई होती है, बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज लीव एट हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ टैक्स। मतलब जैसे मान लो किसी सामान के ऊपर 18% जीएसटी लगना है, ठीक है, मान लेते हैं आगरा के आगरा में सामान बिक रहा है, ठीक है, या यूपी में ही कहीं सामान बिक रहा है, तो आपके 100 रुपए का जो सामान है उस पर टैक्स कितना लगना चाहिए? 18 रुपए। 18 रुपए का 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है। अभी 18 रुपए कैसे लगेगा? दो टैक्स लगेंगे, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, दोनों लगेंगे 9 रुपए और 9 रुपए, यानी 9% ये लगा, 9% ये लगा। मैंने 100 रुपए लिया है इसके परसेंट और अमाउंट सेम है, ठीक है, तो 9% ये लगा, 9% ये लगा। इसका मतलब जब एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई की जाती है तो आपके ये दोनों चीजें लगती है एट हाफ द रेट। हाफ द रेट का मतलब 18% है तो 9% ये लगेगा और 9% ये लगेगा, टोटल मिलकर कितना हो गया? 18% हो गया। अब बोलोगे सर अगर 18% है तो दो क्यों लगे? दो इसलिए लगे क्योंकि ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, समझे। इसलिए आपका जो जीएसटी है वो हाफ रेट में टूटता है जब भी इंट्रा स्टेट एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई की जाती है तो। समझ में आया। अब बात करेंगे अगर भाई यूपी में बन रहा है और राजस्थान में कंज्यूम हो रहा है, यूपी में बन रहा है, एमपी में कंज्यूम हो रहा है, एमपी में बन रहा है, महाराष्ट्र में कंज्यूम हो रहा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स से आपका जीएसटी जहां कंजम्पशन होता है उसके हिसाब से टैक्स लगता है, उस पे लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी। व्हाट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी? अगर एक शहर से, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जा रहे हैं या सर्विसेज कंज्यूम हो रही हैं तो आपके ये दोनों भाई साहब नहीं लगेंगे। कौन सा लगेगा? ये लगेगा पूरा 18%।
क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जीएसटी एट 18%, 18% का आपका आईजीएसटी लगेगा। उस केस में ना तो सीजीएसटी लगता है ना एसजीएसटी लगता है। समझ में आ गया व्हाट इज आईजीएसटी, समझ में आ गया सीजीएसटी कब लगता है, जीएसटी कब लगता है। ये दोनों भाई भाई साथ में चलेंगे, और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो दोनों घट जाएंगे, और ये वाला टैक्स आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल था। सो गाइस दिस इज अ बेसिक टर्म्स, दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। कल अपन पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज और बात करेंगे कि अकाउंटिंग टर्म्स में इन दोनों तीनों भाइयों बहनों का क्या काम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मेक श्योर कि आप पार्ट टू देखें इसका जीएसटी का, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स चार्ज है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग बेसिस पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स डा, टू लाइक कमेंट शेयर एंड